वसंत ऋतु में खिले रंग बिरंगे फूलों की महक समेटे गुरु पूजा के पावन पर्व का उल्लास लिए और निरंकारी मिशन में जनवरी 2015 में हुई प्रमुख आध्यात्मिक व सामाजिक गतिविधियों का गुलदस्ता पेश करते हुए न्यूज डिवाइन की समस्त टीम की ओर से मैं मुक्ता आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार, धन निरंकार। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख समाचारों से। हेडलाइंस ऑफ द मंथ: स्पिरिचुअल समागम, सेलिब्रेशन टूर ऑफ हिज होलीनेस, मिशन ओवरसीज, SNCF डायरी, एक खास मुलाकात एंड अदर न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। दोस्तों, नए वर्ष पर दुनिया भर में लोग रेजोल्यूशन यानी कि कुछ प्रतिज्ञाएं लेते हैं, कुछ प्रण करते हैं और उन्हें पूरा करने के प्लान्स भी बना लेते हैं, पर आदतें बदलना इतना आसान नहीं होता। आदतें तो संघ से बदलती हैं। जी हाँ, अगर गुरु की शिक्षाओं का अनुसरण और संत महात्माओं के संग का प्रभाव हमारे जीवन में आ जाए तो हर बुराई या कमजोरी पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निरंकारी भक्तों को नव वर्ष पर एक समागम के रूप में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, पूज्य माता सविंदर जी के दर्शनों के साथ साथ गुरुदेव के प्रवचनों में आने वाले साल के शुभाशीष भी प्राप्त हुए। इस वर्ष निरंकारी राजमाता जी की कमी सभी को महसूस हुई, पर प्रेरणा के रूप में माँ हम सभी के साथ है। जनवरी महीने की 11 तारीख को भक्ति पर्व समागम आयोजित हुआ, जहां एक और मिशन के अनेक पुरातन भक्तों के जीवन का जिक्र हुआ, वहीं भक्ति के अनेक पहलुओं पर गीत, कविता व व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। समागम के अंत में सद्गुरु बाबा जी ने फरमाया, भक्ति के रंग में रंगे हुए ये जीवन जिए गए हैं, जिनको आज हम श्रद्धा से याद करते हैं, नतमस्तक होते हैं। ऐसे जीवन के प्रति जो महापुरुषों ने, भक्तों ने गुरसिक्खी अनुसार, गुरमत के अनुसार जो इस सफ़र को तय किया, और वाकई ही हृदय से उन्हीं के प्रति सत्कार हमारे मन में पैदा होते हैं जो मन बच कर्म करके एक होते हैं। प्रांतीय समागमों की लड़ी हर वर्ष महाराष्ट्र से शुरू होती है और इस समागम पर पहुंचने की जिज्ञासा भक्तों में तभी से शुरू हो जाती है जब दिल्ली का वार्षिक समागम संपन्न होता है। इस साल भी जनवरी की 23, 24 और 25 तारीख को नवी मुंबई के खारघर क्षेत्र के MIDC ग्राउंड में महाराष्ट्र का 48वां निरंकारी संत समागम आयोजित किया गया था। लगभग एक महीना पहले ही समागम की तैयारियां शुरू हो गई थी और समागम शुरू होने से कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र और नजदीक के प्रदेशों से लाखों श्रद्धालु भक्तों का आगमन भी प्रारंभ हो गया था। सविता राव साहब कराड़े, कोल्हापुर हेरले से आई हूँ मैं 7 साल से संत समागम करती हूँ इधर का। हम आज ही उत्तराखंड से आए हैं और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जो सत्य का संदेश पूरे जग में फैला रहे हैं, एकत्व का भाव, इसी भाव के साथ हम यहाँ पे सत्संग में शिरकत करने आए हैं यहाँ पर। मेरा नाम सतीश कुमार सुखनानी है, मैं दुबई से आया हूँ। मुंबई महाराष्ट्र का 48वां समागम फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ। हाय नमस्कार, मैं हूँ कमल खान और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि निरंकारी बाबा जी का समागम चल रहा है बॉम्बे में, और मैं समागम पे हमेशा आता हूँ। दिल्ली में भी ये समागम होता है और यहाँ आके मुझे एक अलग ही खुशी मिलती है, अलग ही सुकून मिलता है। समागम के पहले दिन एक अद्भुत शोभा यात्रा में भक्तों ने अपने गुरु, अपने इष्ट के प्रति कृतज्ञता के भाव कला और सांस्कृतिक नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किए थे। अनेक भाषाओं, लोक नृत्यों और शैलियों का प्रयोग करते हुए बच्चे, युवा और बुजुर्ग भक्तजन इस यात्रा में शामिल हुए थे। हर निगाह में गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा का भाव था, हर मुस्कान में शुक्राने की अभिव्यक्ति थी। दिखने को तन नाच रहे थे पर वास्तविकता में आनंद रूह की गहराइयों से उमड़ रहा था। निरंकारी राजमाता जी का शारीरिक रूप में अभाव तो सभी को महसूस हो रहा था, परंतु माँ की शिक्षाओं और जीवन की प्रेरणा मनोहर चेहरे पर परिलक्षित हो रही थी। आइए जानते हैं शोभा यात्रा के बारे में न्यूज डिवाइन के एक विशेष संवाददाता से। प्रेमा ने बोला धन निरंकार, मी शीतल न्यूज डिवाइन तर्फे तुम्हा सर्वांचं महाराष्ट्राच्या 48व्या निरंकारी संत समागम मध्ये स्वागत करत आहे। आज महाराष्ट्र समागम का पहला दिन है और उसका आगाज
कुछ ही देर में इस शोभा यात्रा के माध्यम से होने जा रहा है। सभी के हृदय सम्राट सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का आगमन इस वक्त हमारे बीच हो रहा है और नासिक जोन के जोनल इंचार्ज उनका पुष्पहार डाल के स्वागत किया गया है और हम देख रहे हैं वरदायिनी परम पूज्य माता जी का भी स्वागत कन्हैयालाल जी कोल्हापुर के जोनल इंचार्ज आगे बढ़ के कर रहे हैं और इसी के साथ आगाज हो चुका है महाराष्ट्र के इस संत समागम का। बाबा जी पालकी में वरदायिनी पूज्य माता जी के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। सभी संतों को अभिवादन करते हुए और अपनी कृपा दृष्टि से निहाल करते हुए ये अभी स्थानापन हो रहे हैं इस फूलों से सुसज्जित पालकी में। जैसे कि हम देख रहे हैं हुजूर बाबा जी और परम पूज्य माता जी के विराजमान होने के बाद एक उत्साह की लहर उठ पड़ी है और जैसे कि हम सुन सकते हैं एक बैंड जो बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहा था हुजूर बाबा जी के आने की अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए हुजूर को एक नज़र देखते हुए अपनी सेवाएं पूरी कर रहे हैं। बड़े ही अनुशासन से महापुरुष पूरे नियम में। इस वक्त हम 22वीं मंजिल पर खड़े हैं और यहां से शोभा यात्रा का पूरा नज़ारा हम देख सकते हैं। लगभग 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई ये शोभा यात्रा इर्द गिर्द आने वाले सारे मुसाफिरों को यही पैगाम दे रही है कि आइए संत समागम शुरू हो चुका है और आप भी प्रभु की जानकारी कर इस मिशन से ये सत्य का संदेश पाकर अपने जीवन का कल्याण कीजिए और अपने सदगुरु को रिझाने के हेतु हम देख सकते हैं महापुरुषों ने अलग अलग लोक संस्कृतियों का आधार लिया है। अपने अपने बोली भाषाओं में गीत गाते हुए अपने अपने लोक संगीत का आधार लेकर नृत्य करते हुए ये महापुरुष जो है इस शोभा यात्रा की शोभा और बढ़ा रहे हैं और ये सारे महापुरुष जो यहाँ पर अभी चलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं हर एक महापुरुष सद्भाव से एक दूसरे को पहल देते हुए एक दूसरे के प्रति प्रेम नम्रता आदर और सत्कार की भावना लेकर जो है एक दूसरे का सम्मान बढ़ा रहा है और ये मानवता का जो ये चित्र है ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हुजूर बाबा जी की सिखलाई प्रत्यक्ष रूप में साकार होती हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। साधिका इस वक्त खारघर नवी मुंबई के ग्राउंड्स में खड़ी हूँ जहाँ महाराष्ट्र के 48वें निरंकारी संत समागम का आज पहला दिन है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि जब बाबा जी और पूज्य माता जी आए तो किस तरह से उनका स्वागत हुआ और एक जुलूस का रूप बना और अब हम यहाँ इन ग्राउंड्स में हैं जहाँ लाखों की तादाद में आया हुआ ये जन समूह ना गर्मी की परवाह करते हुए ना देखते हुए कि कितनी धूप है और उस जुलूस से सीधा ही इन ग्राउंड्स की तरफ को आए हैं और यहाँ पर एकत्रित होकर बैठे हैं, बस इंतज़ार कर रहे हैं उस लम्हे का, उस घड़ी का जब स्वयं सदगुरु बाबा जी और पूज्य माता जी इन्हीं गेट से यहाँ एंटर करेंगे और इनके साथ हम भी इस माहौल का इसका मज़ा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हैं उनके मन के भाव तो यूँ लगता है जैसे कि यह वादियाँ तक गुनगुना रही हैं, सब कह रहे हैं, बात कर रहे हैं और जो एकत्व में सद्भाव की भावना है उसका इससे बड़ा तो और कोई एग्जाम्पल हम कहीं देख ही नहीं सकते कि यहाँ ये लाखों की तादाद में इकट्ठे लोग हैं लेकिन ना कोई चहल पहल, ना ज़रूरत से ज़्यादा कहीं कोई प्रॉब्लम, एक डिसिप्लिन रूप से, मर्यादित रूप से सब यहाँ इकट्ठे हैं, सब एक दूसरे को पहल दे रहे हैं और सबकी आँखों में एक ही इंतज़ार है। इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हो चुकी है क्योंकि हम देख रहे हैं इन विशाल ग्राउंड्स में आगमन हो रहा है सतगुरु बाबा जी और परम पूज्य माता जी का। फूलों से सुसज्जित ये पालकी जिसमें बाबा जी और माता जी इन ग्राउंड्स में आ रहे हैं, ये पालकी के फूल, ये रंगोली के रंग, ये असल में यहाँ आए सब महापुरुषों के दिल की खुशी है, उनके चेहरे का रंग है, उनके चेहरे की खुशी है जो यहाँ इस रूप में हमें नजर आ रही है। ये बैंड की आवाज जो हम सुन रहे हैं, ये बैंड की आवाज जो हम सुन रहे हैं, ये लाखों दिलों की धड़कने हैं जो नाच के गा कर झूम कर अपने सदगुरु का स्वागत कर रही है, उनका शुक्र कर रही है कि बाबा जी थैंक यू, आपने हमें ये खूबसूरत माहौल दिया, ये 3 दिन का समागम दिया, ये इतना प्यारा वातावरण दिया, यहाँ सिर्फ प्यार है और बाबा जी के आने की खुशी और ये खुशी की लहर हम अपने आस पास
शुक्राने का भाव है कि थैंक यू बाबा जी, आप हमारे बीच आए, हमें आशीर्वाद दे रहे हो, हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए, ये प्यार, ये रंग, ये खुशियाँ हमारे जीवन में बनाए रखें। पहले दिन के दूसरे पड़ाव में सत्संग का विधिवत प्रारंभ किया गया था, जहाँ विभिन्न भाषाओं के माध्यम से आध्यात्मिक मंथन किया गया। दूसरे दिन सेवादल रैली का आयोजन हुआ, जहां संत निरंकारी सेवादल सदस्यों ने बाबा जी के समक्ष पीटी, फिजिकल गेम्स और कुछ नाट्य प्रस्तुतियों द्वारा निष्काम सेवा के भाव का प्रगटावा किया। आइए चलते हैं सेवादल रैली में। सेवादल रैली का नजारा आप मेरे पीछे ले रहे हैं। इस सेवादल रैली में आप देख रहे हैं जिस तरह से महापुरुष पीटी परेड से अपना प्यार सतगुरु की तरफ अर्पित कर रहे हैं। यहाँ हजारों की तादाद में सेवा दल के नौजवान देखने को मिल रहे हैं। इस टेंट के बाहर भी ऐसे बहुत सारे सेवा दल हैं, मगर वो अपनी सेवाओं को विधिवत रूप में निभा रहे हैं। यहाँ से रियासती टेंट है जहाँ पे महात्मा रहते हैं, रहने के लिए लंबे लंबे से आए हुए महात्मा है और एक जगह से, और उनको आने जाने के लिए अभी बाबा जी के विचार चालू रहेंगे, तो आने जाने के लिए तकलीफ ना हो करके हम यहाँ पे सभी ट्रैफिक के लिए खड़े हैं। Well, I'm from Daman and we are enjoying here a seva from 4-5 days, and we are really feeling a very good and very happiness to serve the whole humanity with love and happiness. With the blessing of His Holiness, Babaji and Mataji, we're here again at the 48th Samagam in Mumbai. And again, it has been such a successful trip. We had about approximately 15 doctors, varying doctors. We had, of course, chiropractic doctors, orthopedic surgeons and family physicians come to serve humanity here with Babaji's blessings. We've seen over 1,500 patients. We were very, very pleased again with the type of doctors. Some new doctors have come and many repeats. And the one message that's again been said over and over on the last four smogams is it's been such a life-changing experience for them that they felt they wanted to come again. And especially to the Sevadals in the chiropractic and doctor mission, where they have been of service to thousands of patients, assisting and helping us all. And out of respect, that is why I have dressed as a Sevadal. What? And Babaji, I am your Sevadal. Yeah. समागम के दूसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम में भी पहले दिन की तरह भरपूर रहमत बरसी। तो रवि गुरु भक्ति चिनारी शक्ति जीवन मुक्ति कुलवंती चिनिराली शान, कुलवंती चिनिराली शान, चरित्र कथा अति शिलवान, चरित्र कथा अति शिलवान, राजमाते जगत गुणगान जी जी जी, राजमाते जगत गुणगान जी जी, राजमाते जगत गुणगान जी जी जी। आखिरी दिन के सत्संग कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा कवि दरबार। एहसास प्रभु का और ओट गुरु की गुरसिख की शक्ति होती है। जी 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 जी। एहसास प्रभु का और ओट गुरु की गुरसिख की शक्ति होती है, और गुरु वचनों पर हंस के चलना गुरसिख की भक्ति होती है। दो दिन की जिंदगी में मिलजुल के रहो भाई, दो दिन की जिंदगी में मिलजुल के रहो भाई। अड़तालीसवें महाराष्ट्र संत समागम का तीसरा दिन अब अपनी समाप्ति की ओर है।
इन 3 दिनों में हमने समागम के हर सुंदर पहलू से आपको रूबरू करवाया। कहने को तो महाराष्ट्र का संत समागम है, लेकिन यहाँ पर नुमाइंदगी सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं हुई बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से भी महापुरुष चलकर यहाँ पर आए। अब इन 3 दिनों का इससे अच्छा अंजाम क्या हो सकता है कि हम रुक करने जा रहे हैं हुजूर के, हिज होलीनेस के पावन पवित्र शब्दों की ओर, जी हाँ, सदगुरु के विचारों की ओर। चलिए सुनते हैं उन्हीं विचारों पर जिनको अपना आधार बनाकर हम आगे आने वाले कई सालों में अपने जीवन को इन भावनाओं पर, इन हार्मनी इन वननेस की भावनाओं पर चला पाएंगे। फिलहाल आपसे लेता हूँ इजाज़त, मैं अवनीत कैमरामैन सनी के साथ महाराष्ट्र संत समागम ग्राउंड मुंबई खारघर से। जो जो भी घटना चक्र चल रहा है कि छोटे छोटे बच्चों का, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का, माताओं बहनों का कोई भी लिहाज नहीं और उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो इसलिए जिम्मेदार ये इंसान ही है जो दावे तो करता है कि बड़ी प्रगति कर चुका हूँ, बड़े मैदान मार चुका हूँ, लेकिन अभी ये कितना पिछड़ा हुआ है, कितना इसका म्यार नीचा है, जानवरों से भी बदतर है, पशुओं से भी बदतर है। इसलिए इस म्यार को ऊंचा उठाना है, वो लेवल अपना ऊंचा करना है। एक बंदे के रूप में पैदा हुए हमने, इंसान बन के जीवन के सफ़र को तय करना है, इस धरती को गुलजार बनाना है। ये एक संदेश और पैगाम ये महापुरुष संत जन ये देते चले जा रहे हैं। मुंबई समागम के दौरान निरंकारी प्रदर्शनी के माध्यम से मिशन के दर्शन, इतिहास और गतिविधियों की झांकी भी प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत की गई थी। भक्तों को आनंद और उल्लास के कुछ और पल प्राप्त हुए 26 जनवरी को गुरु वंदना के एक विशेष कार्यक्रम में। आइए देखें गुरु वंदना की इस कलात्मक प्रस्तुति के कुछ अंश। दुनिया सारी आज भरावली, वसा मोक्षाचा घेतला पावलानी, आभावरी रे तुझे सावली, करा भक्ति भावे रे सत्संग सेवा ही शिकवण सन्मार्गाची लावली। तो देखा आपने, इस तरह आध्यात्मिक जागृति और विश्व बंधुत्व का संदेश देकर महाराष्ट्र का 48वां वार्षिक निरंकारी संत समागम विधिवत रूप से संपन्न हुआ। और अपने अगले सेक्शन में अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। These days it's about Facebook and Twitter statuses. How many likes you get or followers? But that's not what life is about. Be mankind. Man should be kind. Be beautiful. Make sure you are beautiful inside too. Be humble. Live your dreams. Serve others with no expectations or rewards. Make commitments wholeheartedly. Be the change you want to see in this world. But don't forget to live, laugh and love. स्वागत है आपका एक बार फिर से। जनवरी माह में हुए विभिन्न समागमों के बाद आइए अब जानते हैं सदगुरु बाबा जी की इसी महीने की कल्याण यात्राओं के बारे में। जनवरी की 17 तारीख को सदगुरु बाबा जी राजस्थान के शहर पांवटा पहुंचे थे, जहां श्रद्धालु भक्त पलकें बिछाकर गुरुदेव के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। यहां एक विशाल सत्संग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहाँ प्रभु की जानकारी प्राप्त करने के महत्व पर सभी ने बल दिया था। अगले दिन यानी के 18 तारीख को इस आध्यात्मिक यात्रा का पड़ाव रहा था अजमेर शहर, जहां फिर से भरपूर संख्या में संतजनों ने हरी चर्चा में एक विशाल उत्सव में भाग लिया था। 19 तारीख को राजस्थान के उदयपुर और 20 तारीख को गुजरात के अहमदाबाद शहर में भी इसी प्रकार के महासम्मेलन हुए थे, जहाँ विश्व बंधुत्व व एकत्व से सद्भाव विषयों पर आधारित मंथन किए गए थे।
सतगुरु बाबा जी ने अपने शुभाशीष यहाँ कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किए थे। तो अभी 2015 चढ़ा है और दिल्ली से बाहर यही यात्रा पहली बनी, और जिसके दौरान यहाँ आकर आप सभी के साथ ये घड़ियाँ, ये पल छिन बिताने को मिल रहे हैं। घड़ियाँ पल छिन वही मुबारक होती हैं जो परमात्मा के साथ नाता जोड़कर बतीत होती हैं, जो मानवीय भावनाओं से, इंसानियत वाली भावनाओं से युक्त होकर बतीत होती हैं, हृदय में प्यार को बसाकर जो बतीत होती हैं, दूसरों को सुख देकर जो बतीत होती हैं, वही कल्याणकारी पहलू होते हैं जीवन के। वही लम्हे पल क्षण, वही मोमेंट्स जो हैं हमारी लाइफ की, उन्हीं की सही मायनों में कीमत हुआ करती है। बाबा जी की कल्याण यात्राओं का सिलसिला जहां एक और भारतवर्ष में अपनी खुशबू बिखेरता रहता है, वहीं ये रौनक दूर देशों तक भी पहुंचती है। मुंबई समागम के ठीक बाद सदगुरु बाबा जी व पूज्य माता जी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर की आध्यात्मिक जागृति यात्रा पर भी रवाना हुए थे। इस यात्रा पर डिटेल्स क्या थी वो हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। आइए अब रुख करते हैं न्यूज़ डिवाइन के अपने अगले सेगमेंट पर, जो है देश विदेश के समाचार। सो इट्स टाइम टू वॉच सम न्यूज़ फ्रॉम द वेरियस ब्रांचेस ऑफ निरंकारी मिशन अक्रॉस द ग्लोब इन आवर सेक्शन मिशन ओवरसीज। The members of New York branch of Sant Nirankari Mission held a food donation drive on the 25th of January 2015 to support the Ronald McDonald House of Long Island. This organization provides a home for families of severely sick children who receive treatment at nearby hospitals. This non-profit organization provides residences and fresh daily meals to 60 families. Saints collected over 900 pounds of donations. Among these items were canned foods, cereals, cleaning products, paper towels, juices, oil, box food, household supplies, and toys for the children. An English medium samagam was held in Toronto, Canada, by the local authorities and volunteers on the 10th of January. Here is a report. Devotees young and old gathered on January 10, 2015 at the Nirankari Satsang Bhavan to participate in the first English Samagam of the year. The topic of spiritual humanism, the fruit of self-realization, was discussed upon through speeches, devotional hymns, and poems. It was like the voices of angels to my heart, and it was a tremendous gift to be here. They brought the Eastern wisdom, so to speak, into my life practically, because I use English every day. English samagams are so important because it allows the youth to have a platform to share their views about the mission. One of the largest well-attended gyan sessions in Toronto, with over 100 individuals seeking God realization. Our master wants us to be good humans and love the whole of human race as one, and no discrimination. Thank you, Babaji. On January 10th, 2015, a seminar on the physical, social, and spiritual well-being of women was organized in conjunction with South Florida Hindu Temple in Davie, Florida. The seminar was the first of its kind. It laid focus on the body, mind, and soul of women and was a dedication to Nirankari Rajmata Kulwant Kaurji. Speakers from the Sant Nirankari Mission came in from many different areas of the United States, each of whom was an expert in their own field. The physical well-being aspect of the seminar was a yoga session held by a certified instructor from the Michigan chapter of the Sant Nirankari Mission. A health talk was also given by an author from Gainesville, Florida. To cater to the mind of a woman, an interactive session on the emotional well-being was led by a forensic psychiatrist and neurologist from Michigan. Another speaker came in from the Houston chapter of the mission and gave a workshop on stress management.
and awareness about domestic violence was shared by the founder of Sahara of South Florida, Inc. The seminar also included the guest of honor who came in from the Ohio Sadh Sangat and spoke on the spiritual well-being of women with a focus on the soul. A Sufi singer came in from Atlanta, Georgia to add a musical chime to the inspirational event. The event was attended by the local mayors and vice mayors, along with city commissioners and Florida House of Representatives. The Sant Nirankari Mission honored three young girls for their contribution towards the betterment of humanity. These acknowledgments were given by Priya Gupta, the current Mrs. South Asia International 2015. In addition to the awareness on women empowerment, the local IPOF organization helped out by organizing a free health checkup for women. I really want to say that Sant Nirankari Mission is so good, to like which kind of is focusing on humanity and, you know, like everybody is equal. So I really appreciate that. I think it was an outstanding event, and it's important that women know that they can be anything that they want to be. Today's event is awesome. Well, today's event was very empowering. West London's Hayes branch, Sant Nirankari Mandal UK, hosted a community dinner to celebrate and congratulate community leaders for their efforts. The event was held on the 31st of January 2015. Deputy Mayor George Cooper attended the event. The Sant Nirankari Mission volunteers served the community with a sense of brotherhood and humility. These volunteers have been involved in tirelessly creating and supporting events in the area. From the peace walk of Hillingdon to flood relief in Chertsey, the volunteers have committed themselves to help society at large. Noticing the efforts of the Sant Nirankari Mission, the mayor of Hillingdon presented a certificate in volunteering to the mission. Since today, Sant Nirankari Mandal UK has hosted a communal dinner at the West London branch. Let's watch some highlights. We also had Worship Deputy Mayor of Hillingdon today between us, and he also shared his views. Let's watch. And we need to learn to live together, recognizing and acknowledging the diversity of all the communities, and being willing to support all those communities when they are under pressure and stressed. So, strength to your elbow, good old English expression. I think you're doing a wonderful job, and may it continue and flourish. Thank you very much for inviting. We were extremely grateful to them for their hospitality. It was very kind of them. So that was a panorama of the world news in the section Mission Overseas. And before we move to the next section of SNCF Diary, let's listen to this message. These days it's about Facebook and Twitter statuses. How many likes you get or followers? But that's not what life is about. Be mankind. Man should be kind. Be beautiful. Make sure you are beautiful inside too. Be humble. Live your dreams. Serve others with no expectations or rewards. Make commitments wholeheartedly. Be the change you want to see in this world. But don't forget to live, laugh, and love. News Divine में सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है. दोस्तों, अब समय है ये जानने का कि संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा सामाजिक परोपकार व उत्थान में कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. एक रिपोर्ट. संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा मुंबई समागम के दौरान सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया. 26 जनवरी को दोपहर लगभग 150 जोड़ों ने सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी एवं पूज्य माता सविंदर जी के पावन सानिध्य में एक सादा रूप में साझा शादियों के कार्यक्रम में अपने पारिवारिक जीवन की शुरुआत की. निरंकारी मिशन के सिद्धांत के अनुसार
सादा, कम खर्च व आध्यात्मिक शिक्षा के आधार पर किए गए विवाह समाज से अनेक प्रकार की कुरीतियों का अंत कर सकते हैं। तो बाबा जी ने हमारे अंदर से जात धर्म की सारी बातें जो है वो मिटा दी। आज हम समाज में देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम, चाहे वो यूपी के हो या महाराष्ट्र के हो, आज हर एक के मन में विष फैला है। आज हमारे सदगुरु ने हमारे अंदर से वो विष बाहर फेंका है और हम सारे जाति धर्म के लोगों को एक साथ एक धागे में पिराया है। तो थैंक्स टू बाबा जी कि हमारे अंदर सब अंदर के सब जो मैले हैं वो निकाले और हमको एक धागों में पिराया। माय नेम इज़ गर्वित मनचंदा एंड शी इज़ समदिशा मनचंदा नाउ। वी आर फ्रॉम कानपुर एंड आई एम मैरिंग अ निरंकारी गर्ल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड नाउ यू नो बीइंग अ पार्ट ऑफ द फैमिली वी आर नाउ अ सेम फैमिली and you know experiencing I've never seen I mean forget about I mean marriage I could never think about it but experiencing such a scenario where lakhs of people come together to witness so many marriages together and just like one family usually two families come together for the marriage but this one is it's one family celebrating celebration in the family I mean everyone coming together and Baba Ji's is aura is mesmerizing aur hum log apni zindagi ki shuruaat karne ja rahe hain to ye kaisa dhyan tha pehle se hi kafi time se main dekhte aa raha hu aaj 10 saal se 12 saal se mission se juda hu khas marriages dekhte aa raha hu par ek dhyan tha ki main bhi jab kabhi future mein shaadi hogi meri is tarike se mauka mile Baba Ji ka aashirwad lene ka is avsar par गुरुदेव ने नव दंपतियों व उपस्थित परिवारों को आशीर्वाद देते हुए फरमाया, जहाँ पर इतने जोड़े गृहस्थ के मार्ग पर कदम रख रहे हैं, पति और पत्नी के रूप में आने वाला समय जिम्मेदारियों को निभाते हुए आरंभ करने जा रहे हैं, जहाँ ये समागम का सुंदर रूप लाखों लाखों की संख्या वाला परिवार और ऐसे परिवार की उपस्थिति में ही ये एक फ़र्ज़ की अदायगी ये हो रही है जो माता पिता परिवार वालों की बच्चों के प्रति होती है। पालन पोषण से लेकर तमाम उम्र ये जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं, तो उसी जिम्मेदारियों की लड़ी में ये भी एक जिम्मेदारी जिसको आज निभाया जा रहा है और सभी इसमें शरीक, सभी अपने हृदय में शुभकामनाएं लिए हुए इन परिवारों के लिए जिनके ये बच्चे जिन्होंने आज इस तरह से इस विवाह के रूप में ऐसा एक संबंध बनाया है। शुभकामनाएं वर और वधू के लिए जो आने वाले समय में अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभाने जा रहे हैं। शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं कि दातार इनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि उन तमाम जिम्मेदारियों को ये विवेक पूर्वक और खुश सलूबी से निभा पाएं। 5 जनवरी 2015 को SNCF द्वारा तिहाड़ जेल के बंदी भाइयों के लिए 500 स्वेटरों का योगदान दिया गया। SNCF द्वारा संचालित संत निरंकारी पब्लिक स्कूल निरंकारी कॉलोनी में एनुअल डे मनाया गया, जहां स्कूल के छात्र छात्राओं ने मानवीय मूल्यों, वैज्ञानिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, सांस्कृतिक संपदा व राष्ट्रभक्ति के भावों से सजा हुआ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर आशीर्वाद देने पहुंचे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज व पूज्य माता जी ने भी बच्चों का हौसला बढ़ाया। बाबा जी ने बच्चों को कुछ इस प्रकार आशीर्वाद दिए। आज बहुत खुशी हो रही है, निरंकारी पब्लिक स्कूल, सन निरंकारी पब्लिक स्कूल निरंकारी कॉलोनी के इस एनुअल फंक्शन पर उपस्थित होकर, जहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन लगातार प्रगति के रास्ते पे चल रही है और साथ ही साथ अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मिशन के द्वारा जो
समाज की सेवा के रूप में चलाए जा रहे हैं। बहुत खुशी होती है जब अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है स्टूडेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, और मिला जुला प्रयास होता है ये जब किसी भी इंस्टीट्यूशन को ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है डेडिकेशन के साथ। तो आज के इस फंक्शन पर, जहाँ पर आपने जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखा, नन्हे बच्चे किशोरावस्था वाले, जहाँ पर उन्होंने कितनी सुंदर प्रस्तुति की और हर किसी के मन को मोहा, और आज इस एनुअल फंक्शन पर बच्चों ने किस तरह से अपने आप को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, और जो भी सिखाने वाले इनको टीचर्स और भी जिन जिन के योगदान, परफॉर्मेंस देने वाले बच्चे और तमाम सभी मुबारकबाद के पात्र हैं। इन टोटैलिटी जो परफॉर्मेंस, जो प्रगति ये पब्लिक स्कूल कर रहा है, तो आने वाले समय में भी यही शुभकामना है कि और आगे बढ़ता चला जाएगा ये स्कूल और इससे सभी लाभान्वित होंगे। SNCF डायरी के बाद अब समय है उस नए सेक्शन का जिक्र करने का जिसका नाम है एक खास मुलाकात। जी हाँ, एक खास मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से जो निरंकारी मिशन और मिशन की विचारधारा से प्रभावित हैं। और आज इस सेगमेंट की शुरुआत के पहले पाठ में हम बात करने वाले हैं श्री कैलाश सत्यार्थी जी से। वही कैलाश सत्यार्थी जिन्हें साल 2014 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनके बाल मजदूरी के खिलाफ उठाए गए कदमों के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए करते हैं एक खास मुलाकात श्री कैलाश सत्यार्थी जी से। मैं इसे परमात्मा का वरदान मानूंगा, ईश्वर की कृपा मानूंगा, मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला, ये ईश्वर की कृपा है। मेरे जैसे साधारण आदमी को जब नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हुई तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ। पिछले महीने कई बार ये लगता था कि इस देश में जो पूरी दुनिया के लिए शांति का पुरस्कार जाना जाता है, नोबेल शांति पुरस्कार किसी भारतीय को नहीं मिला। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये पुरस्कार सिर्फ मेरे लिए नहीं मिला, ये प्रत्येक भारतीय के लिए मिला है जिसे शांति में, प्रेम में और विश्व बंधुत्व में यकीन है। ये पुरस्कार दुनिया के करोड़ों करोड़ों बच्चों के लिए मिला है जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, जिनकी कोई पहचान नहीं है, जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन वो परमात्मा के सच्चे स्वरूप हैं। हम जो वयस्क लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, समझदार लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम बच्चे को जो परमात्मा ने स्वतंत्र पैदा किया है, परमात्मा ने एक मनुष्य की तरह, मानव की तरह पैदा किया है, हम उसे सिखाते हैं सबसे पहले कि तुम हिंदू हो, हम सिखाते हैं तुम मुसलमान हो, तुम ईसाई हो, तुम सिख हो, तुम बौद्ध हो, तुम जैन हो, यहूदी हो, कौन सिखाता है? बच्चा तो सीख के नहीं आता, बच्चा तो एकदम शुद्ध मानव होता है। और हम उसको सिखाते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम हिंदुस्तानी हो, तुम नेपाली हो, तुम बंगाली हो, तुम अंग्रेज हो, तुम अफ्रीकी हो। दुनिया में कोई युद्ध नहीं हुआ, दुनिया में कोई हिंसा नहीं हुई, दुनिया में कोई गरीबी नहीं हुई, कोई पाप नहीं हुआ जो मेरे बच्चों ने किया हो। हम करते हैं बड़े लोग, हमने दुनिया को तोड़ा, मानवता को तोड़ा, और अब हम बच्चों को भी दुनिया को, मानवता को तोड़ना सिखाते हैं। आप तो बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं,
गरीब बच्चों के लिए सेवा के कार्यक्रम चलाते हैं, शिक्षा के कार्यक्रम चलाते हैं, मैं जानता हूं स्वास्थ्य के कार्यक्रम चलाते हैं। करुणा जो मुझे आपसे जोड़ती है, मुझे आपसे जोड़ती है, सबको एक दूसरे से जोड़ने वाला जो तत्व है वो करुणा है। सारे धर्म करुणा से पैदा हुए, सारे धर्म गुरु करुणा से उपजे, सारी धार्मिक पुस्तकें करुणा की लिपि हैं, सारी क्रांतियां करुणा के कारण हुई। कहीं अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे की आवाज़ आपको पुकार रही है, कहीं आपको लगता है कि उसकी आंखें आपकी तरफ निहार रही हैं, कहीं आपको लगता है कि वो बोल नहीं सक रहा है, बोल नहीं सक रही है, लेकिन तब भी आप उसकी मदद कर सकते हो, तो आगे बढ़ के करो और अपने अंदर के बच्चे को कभी मत मरने दो। अपने अंदर के उस शिशु को मत मरने दो, वही दुनिया को बेहतर बनाएगा, वही आपके जीवन को सरल बनाएगा। मेरा धर्म बच्चे हैं। मैंने जैसा कहा कि मैं ईश्वर का दर्शन बच्चों में करता हूँ, परमात्मा करे आपके अंदर भी वही बच्चा हो और मैं उस बच्चे में आपके माध्यम से ईश्वर के दर्शन कर सकूं। परमात्मा मुझे ये शक्ति दे। बहुत धन्यवाद। और अब वक्त हो चला है अपने अंतिम सेक्शन की ओर बढ़ने का, जो है अन्य समाचार। संत निरंकारी मंडल के प्रकाशन विभाग द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 22 फरवरी को लगने वाले विश्व पुस्तक मेले में भाग लिया जा रहा है, जहां मिशन के साहित्य को प्रदर्शित किया जाएगा। आप अवश्य यहां पहुंचकर सार्थक आध्यात्मिक साहित्य का परिचय पा सकते हैं और अपने मित्रों से भी ये सूचना साझी कर सकते हैं। संत निरंकारी मिशन के प्रचार विभाग के द्वारा एक प्रचारक ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था, जहां प्रचारक महात्माओं से मिशन की मूल विचारधारा और प्रचार के सिद्धांतों पर चर्चा की गई थी। इस अवसर पर प्रचार विभाग के अनेक अधिकारी भी मौजूद रहे थे। तो ये थे समाचार जनवरी 2015 के। अगले महीने एक बार फिर हाजिर होंगे फरवरी 2015 की सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुक्ता को। आपके फीडबैक्स और सजेशंस का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ डिवाइन। नमस्कार, धन निरंकार।